फैट खाने से फैट हो जाते हैं। अगर तुम पेट की एक्सरसाइज लगाओगे तो सारा बेली फैट खत्म हो जाएगा। ग्रीन टी तो मक्खन की तरह चर्बी पिघला देता है यार। दोस्तों आपने ये सब एडवाइस तो बहुत सुनी होगी, लेकिन क्या ये सही है? आज हम बात करेंगे 10 इंपॉर्टेंट मिथ्स और मिसकंसेप्शंस की, जो आपका वेट लॉस कभी नहीं होने देंगे। ये वीडियो होने वाला है दो पार्ट्स में, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आए आपको नोटिफिकेशन नेक्स्ट पार्ट का, तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल का आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों मिथ नंबर 1, फैट खाने से हम फैटी हो जाते हैं या फैट खाने से बॉडी में फैट जमा हो जाता है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी को माइक्रो न्यूट्रिएंट एज वेल एज मैक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए इक्वल प्रोपोर्शंस में। लोग खाने में फैट इसलिए कम खाते हैं बिकॉज ईच ग्राम ऑफ फैट हैज 9 कैलोरीज कंपेयर टू 4 कैलोरीज पर ग्राम इन कार्ब्स एंड प्रोटीन। तो जितनी कैलोरीज आप फैट से लेंगे एक पोर्शन ऑफ मील से, उसकी बजाय अगर आप कार्ब्स खाएंगे सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज के, देन यू विल एक्चुअली एंड अप ईटिंग मोर फूड With your tummy filled in a better way. Fat या carbs आपको मोटा या पतला नहीं करता। What actually matter is how many calories you intake in one day and eventually आप एक calorie deficit maintain कर रहे हैं या नहीं। फिर आप चाहे fat खाएं, carbs या protein, doesn't matter। दोस्तों myth number 2, eating too less or not at all will help lose fat। हम में से बहुत से लोगों को ये misconception हमेशा से रही है कि अगर आप खाना नहीं खाएंगे या बहुत कम खाना खाएंगे तो आप जल्दी से पतले हो जाएंगे। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप 2 या 3 दिन तक कम या बिल्कुल खाना नहीं खाते तो आप ड्रेस्टिक चेंज दे सकते हैं अपने वेट में, बट वो सिर्फ वाटर वेट होता है, यानी आप अपनी बॉडी से सिर्फ पानी लूज कर रहे हैं रेदर देन फैट। वाटर रिटेंशन कैसे होता है और कैसे लूज करती है आपकी बॉडी वाटर वेट को, उस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या ऊपर आई आइकन में। दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको अपना खाना बहुत कम नहीं करना, और आप मेक श्योर करें यू डोंट रिड्यूस your calorie intake by 500 calories max than what your daily requirement is। मतलब आपकी बॉडी की जितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है एक दिन में, आप उससे 500 कैलोरीज से ज्यादा कटौती मत करें। दोस्तों मिथ नंबर 3, हम सोचते हैं कि फास्टिंग करने से हमारा सारा फैट गायब हो जाएगा, और हम सिर्फ वीक में 1 या 2 दिन फास्टिंग करके सोचते हैं वी आर लूजिंग वेट, बट वी ईट मोर ऑन फीस्टिंग डेज, यानी जिन दिनों में हम नॉर्मली खाना खा रहे होते हैं दोस डेज वी हैव मोर देन आवर रिक्वायर्ड मेंटेनेंस कैलोरी एंड वट वी एक्चुअली रिक्वायर। सिंपली कहे तो फास्टिंग डेज में हम कुछ नहीं खाते और फीस्टिंग डेज में हम करते हैं ओवर ईटिंग, और जिससे हमारा इंसुलिन हो जाता है स्पाइक। तो इससे ये होगा कि या तो हम कुछ वेट लूज नहीं करेंगे या वी मे इवन हैव वेट गेन। सो इफ यू आर डूइंग फुल डे फास्टिंग और इवन इंटरमिटेंट फास्टिंग, मेक श्योर यू डोंट ओवर ईट रेस्ट ऑफ द डेज व्हेन यू आर हैविंग योर नॉर्मल मील। दोस्तों मिथ नंबर 4, एब्स की एक्सरसाइज यानी पेट की कसरत करने से पेट का फैट बर्न होता है। गाइस दिस इज बिगेस्ट मिथ दैट वी ऑल बिलीव और हैड बीन बिलीविंग। बॉडी में कभी भी स्पॉट रिडक्शन नहीं होता फैट का, मींस यू कैन नॉट गेन वेट और लूज फैट इन अ स्पेसिफिक एरिया। यानी अगर आप सोचते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ थाइस से, फेस से या पेट से फैट कम कर सकते हैं तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप लूज करेंगे तो योर बॉडी विल लूज फैट फ्रॉम एंटायर बॉडी, और करेंगे अगर आप गेन देन ऑल्सो दिस विल हैपन इन योर एंटायर बॉडी। पेट की एक्सरसाइज लगा के वी जस्ट make sure we add some muscles in our core which in turn helps us improving our abdominal area, aur jitna aapka core strengthen hoga you can work out with more intensity or you could lift more weights in the gym। isi tarah agar aap push up lagayenge to aapke chest area ka muscle zarur built up hoga but you won't lose fat from your chest। so bottom line is again ultimately you have to be in calorie deficit which you may achieve by restricting calories in food, burning it through exercise or gaining more muscles। aur ha कैलोरी डेफिसिट को कैसे कर सकते हैं आप अचीव विद फ्यू एडजस्टमेंट इन योर लाइफस्टाइल, आप देख सकते हैं मेरा 2-पार्ट डिटेल वीडियो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और इसका लिंक आपको यहाँ ऊपर आई आइकन में भी मिल जाएगा। दोस्तों 5th मिसकंसेप्शन इज रिलाइंग टू मच ऑन फैट बर्नर्स लाइक लेमन एंड ल्यूक वार्म वाटर और इवन ग्रीन टी। दीज कंपनीज जस्ट फूल अस बाय स्कैमिंग इनटू फैट बर्नर्स एंड ओवररेटिंग देयर प्रोडक्ट्स। ग्रीन टी और ल्यूक वार्म वाटर विद लेमन जस्ट बूस्ट आवर मेटाबॉलिज्म
मेटाबॉलिज्म विच इन टर्न्स हेल्प्स अस इन एस्केलेटिंग आवर फैट बर्निंग प्रोसेस टू बेयर मिनिमम एक्सटेंट बट नॉट सो मच दैट वी एक्सपेक्ट। सो दोस्तों ये थे 5 पॉपुलर मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन दैट वी ऑफन गेट टू लिसन और रीड। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एडिशनल 5 मिथ्स ताकि आप वो गलती ना करें जो बाकी लोग करते हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और मेरे नेक्स्ट पार्ट के नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब के साथ साथ बेल का आइकन जरूर दबाइए।